गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ उज्ज्वल, आई विल टेक योर करंट अफेयर्स एज ऑलवेज। सो कल के सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। सो सेशन को जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, सो दैट ही और शी कैन प्रिपेयर वेल फॉर हिज एग्जामिनेशन। सो बात करते हैं यहाँ पर SSC CGL की, CGL की आंसर की आ चुकी है। आप अपनी आंसर की देख सकते हैं और उसके थ्रू आप इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप किस स्कोर रेंज पर देख रहे हैं और क्या देख सकते हैं कि आपका जो रेंज है कट ऑफ का उसके अंदर आ रहा है कि नहीं, ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और एक एग्जाम है CDS का, उसकी नोटिफिकेशन अभी ओपन है। एफकेट का एग्जाम है, उसकी नोटिफिकेशन ओपन है। सो आप अगर डिफेंस एस्पिरेंट है सो आप इसमें फिल कर सकते हैं अपना नोटिफिकेशन और अप्लाई कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए। ये एयरफोर्स का एग्जाम होता है और इससे तीनों फोर्सेस के लिए आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं सो आपको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके आप पा सकते हैं क्लासेस की रेगुलर नोटिफिकेशन और PDF। इसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी नाइट क्लासेस चल रही है यूपी एग्जाम्स की, रिजल्ट ग्रुप है वेरियस टाइमिंग से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11, 12, 1:30 एंड 4:30 AM और 4:25 प्लस एग्जामिनेशन भी हमारी नाइट क्लासेस चल रही है। तो आप बाय एनी मीन्स यू कांट प्रिपेयर ड्यूरिंग द डे टाइम, यू कैन प्रिपेयर एट द नाइट क्लासेस विद द रिजल्ट गुरु एंड इट विल गिव यू अ बेस्ट फैकल्टी कॉन्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पहले न्यूज़ की बात करते हैं जिसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को की साइट्स आप देख लीजिए, आपके कोई से भी एग्जाम उठाइए उसका ट्रेंड एनालिसिस देखिए, ठीक है। उसका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आजकल आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर पिक कर रहा है। सो आपको ध्यान रखना है कि ये इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको न्यूज़ दिखाई दे, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस, सो आपको हमेशा उनको नोट डाउन करके चलना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं और आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उनको लेकर, क्योंकि इनके नेम्स भी काफ़ी टफ होते हैं। सो ये चीज़ें हमेशा आप डेली बेसिस पे कवर करके चलिए तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 मोर साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। सो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स आपने नंबर ऑफ टाइम सुना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद की हिस्टोरिक सिटी, उसको यूनेस्को की साइट बनाया गया था। केबुल लामजो पार्क मणिपुर में है, फिर जयपुर को सिटी बनाया गया था यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, जोधपुर का फोर्ट यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, मेहरानगढ़। सो ये सब जितने भी साइट्स हैं अगर न्यूली एड होती है इंडिया की कोई भी, सो आपको उसे हमेशा नोट डाउन करके चलना है, वो आपकी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर बात है गुजरात वाडनगर टाउन एंड द आइकोनिक सन टेम्पल इन द मोधेरा एंड द रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी। उनाकोटी, आइकोनिक सन टेम्पल ऑफ मोधेरा एंड गुजरात वाडनगर टाउन, इन तीनों को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया एंड द यूनेस्को's tentative लिस्ट इन एन इन्वेंट्री ऑफ दोज प्रॉपर्टीज विच ईच स्टेट इंटेंड्स टू कंसिडर फॉर नॉमिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के पास में अब टोटल कितनी यूनेस्को साइट्स है। सो आपको ध्यान रखना है 52 यूनेस्को साइट्स होगी इंडिया के पास। 48th जो साइट थी वो थी अहमदाबाद, ठीक है, टोटल 52 साइट्स हो चुकी है, ये ध्यान रखना है। आपको नंबर स्पेसिफिक पूछ सकते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, सो आपको पूछ सकते हैं कि टोटल कितनी साइट्स हो चुकी है यूनेस्को की, सो ध्यान रखिए कि 52। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे, सो जी किशन रेड्डी जो है हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वर्क क्या करती है, जितने भी आपके
जो फॉर्मर साइट्स हैं ढोलावीरा, जो आर्कियोलॉजिकली बेस्ड साइट्स हैं, उनको मेंटेन करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना, संरक्षण करना, उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो काम करता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज इन नॉमिनेशन, यहाँ पर इंडिया के काफ़ी साइट्स को और नॉमिनेशन देने की बात की जा रही है. वाटनगर इज अ म्यूनिसिपल सिटी इन द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ए मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन ऑफ वाटनगर हैज़ रिकॉर्डेड पास्ट स्ट्रिंग नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी. चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे उनाकोटी है इन द नॉर्थ ईस्टर्न त्रिपुरा. त्रिपुरा में सिचुएटेड है उनाकोटी टेम्पल और शिवा की वर्शिप करता है ये. सन टेम्पल मोधेरा के बाद में बात करते हैं. द सन टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू सोलर डेटी सूर्य, लोकेटेड एट मोधेरा विलेज ऑफ मेहसाना गुजरात डिस्ट्रिक्ट, एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर पुष्पापति. पुष्पावती की रिवर के बैंक पे ही सिचुएटेड है. आपको ध्यान रखना है हमेशा, जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल का स्टेच्यू है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू है, उसको डिजाइन किसने किया है, उसका आर्किटेक्ट कौन है, राम अवतार. ये नेम ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है सीजीएल में, और इसके बारे में नोट डाउन करके चलिए. ठीक है, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो कौन सी लेक के पास में सिचुएटेड है, सो आपको ध्यान रखना है पंचमुली लेक के पास में, पंचमुली लेक के पास में, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ये रिवर जो सन टेम्पल मोधेरा है वो पुष्पावती लेक के पास में सिचुएटेड है. उसके बाद में आप देख सकते हैं वो कब फॉर्म हुआ था और किसने फॉर्म किया था उसको. सो भीमा वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी ने इसे फॉर्म किया था 1026 से 27 सी में. ठीक है, 1026 से 27 सी में इसे फॉर्म किया गया था, रीन ऑफ भीमा वन ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी. एंड नो वर्ष इज ऑफर्ड एंड प्रोटेक्टेड मेंटेन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स थ्री कंपोनेंट्स, यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं. गुडा मंडपा द श्राइन हॉल, शभा मंडपा द असेंबली हॉल, एंड द कुंडा द रिजर्वर. ठीक है, एक असेंबली हॉल है, एक श्राइन हॉल है यहाँ पे, और एक रिजर्वर देखने को मिलेगा आपको. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिजर्वर है, और ये टेम्पल का श्राइन हॉल है, और ये असेंबली हॉल है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं उनाकोटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ये सब चीज़ें पूछी जाती है कि वो किस लिए फेमस है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट में. सो आपको ध्यान रखना है जो मोधेरा है सन टेम्पल वो है गुजरात से बिलोंग कर रहा है, जो उनाकोटी है वो है त्रिपुरा का. यहाँ पर आप देख सकते हैं उनाकोटी इज अ शेबा पिलग्रमेज साइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ जिजेंटिक रॉक कट स्लेक्चर. ठीक है, एक रॉक कट स्कल्पचर इंडिया में, एक और है शिवा टेम्पल है. ठीक है, उसको फॉर्म किसने किया है आपको ध्यान रखना है. चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मोनोग्लोइड फीचर्स हैं इसके, और सेम मिस्टिकल चार्म एज द फिगर्स इज अंकोरवा टेम्पल ऑफ कम्बोडिया. ये जो अंकोरवा टेम्पल ऑफ कम्बोडिया है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल अंकोरवाट कम्बोडिया. कंबोडिया की कैपिटल क्या है, सो आपको ध्यान रखना है कंबोडिया की कैपिटल है फनोम फेन. हेलो दिलीप जी, स्वागत है आपका हमारे सेशन में. हमारा सेशन डेली 6 AM पे कंडक्ट होता है, हम और वेरियस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स कंडक्ट करते हैं. सो जय हिंद जय भारत, स्वागत है आपका. यहाँ पर देख सकते हैं आप मीनिंग ऑफ नेम. उनाकोटी का मीन क्या होता है, वन लेस देन अ करोड़. वन लेस देन अ करोड़ इन हिंदी एंड बंगाली, एंड इट इज बिलीव दैट दिस मेनी रॉक कार्विंग्स आर प्रेजेंट हियर, एंड इन द लोकल कॉकरोच लैंग्वेज इट इज सुब्राइंग खुंग. तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदी हिंदू माइथोलॉजी व्हेन लॉर्ड शिवा वॉज गोइंग टू काशी अलोंग विथ 1 करोड़ गॉड एंड गॉडेसेस ही मेड अ नाइट होल्ट एट दिस लोकेशन. इट इज बिलीव दैट इन द मॉर्निंग एक्सेप्ट शिवा नन ऑफ देम कुड वेक अप, सो ही सेट आउट फॉर द काशी अलोन कर्सिंग अदर्स टू बिकम स्टोन इमेजेस. सो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल की भी बात की गई है. सो हिंदी माइथोलॉजी के भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत बार जो गॉड्स हैं और जो माइथोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं. सो इसको कवर करके चलिएगा. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अ प्लेस दैट इज लिस्टेड बाय द यूनेस्को. यूनेस्को जिसे लिस्ट करता है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहा जाता है, और यूनेस्को इज कंपोज्ड ऑफ 21 यूएनए यूनेस्को मेंबर स्टेट्स.
यूनेस्को के 21 मेंबर स्टेट्स है, जो कि साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू एनकरेज द आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। सो यूनेस्को काम क्या करता है, आपको ध्यान रखना है कि वो प्रिजर्वेशन का काम करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड जो भी नेचुरल हेरिटेज होती है उसको संरक्षण देने का काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कब फॉर्म हुआ था यूनेस्को, 1972 में फॉर्म हुआ था, 1972 में यूनेस्को फॉर्म हुआ था। और टोटल इंडिया की जून 22 तक 40 हेरिटेज साइट थी, जिसमें 32 कल्चरल प्रॉपर्टीज है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज और 1 मिक्स साइट। ये नंबर जितना भी स्टैटिक, आप ध्यान रखिए काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आपको जो भी नंबर्स हैं उनको नोट डाउन करके चलिए, क्योंकि आप हमेशा नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं जो आपके हाथ से लिखी हुई होती है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिट होती है। सो अगर आप उसको रिवाइज करेंगे डेली बेसिस पे, सो आप बेटर उसको होल्ड कर पाएंगे अपनी मेमोरी में। और अगर आपको वही चीज़ रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो आप अच्छे से उसको आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में सिचुएटेड है, 1985 में इसका नोटिफिकेशन आया था। फिर आप देख सकते हैं कियोलाडो घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में बिलोंग है, राजस्थान में एक एक्सरसाइज चल रही है रिसेंट में, शत्रुनाश। इंडियन आर्मी की जितनी भी एक्सरसाइज होती है, इंडियन एयरफोर्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जो भी एक्सरसाइज हो रही है, या फिर इंडिया की कोई नेवल शिप से कहीं पे पार्टिसिपेट करने जा रही है किसी एक्सरसाइज में या फिर किसी ह्यूमैनिटेरियन मिशन पे, सो आपको उनका नेम नोट डाउन करना है। नंबर ऑफ टाइम्स उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, बलिदान भोलेनाथ महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आसाम में सिचुएटेड है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उत्तराखंड में भी इंडिया की एक एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, इंडिया एंड यूएस की युद्ध अभ्यास, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सो सुंदरबन डेल्टा है। वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात हो रही है, इनको न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर मिले हैं यहाँ पर, सीवी अनंदा बोस। सीवी अनंदा बोस जो है वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर है, इससे पहले कौन थे, सो आपको ध्यान रखना है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ इससे पहले यहाँ के गवर्नर थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली होगी, ममता बनर्जी और इनके बीच में काफ़ी टसल रहता था एज अ गवर्नर और सीएम के बीच में, सो काफ़ी न्यूज़ में रहते थे। जगदीप धनखड़ जी जो कि अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट है एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये ध्यान रखिए। आर्टिकल 63 बताता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंट में पार्लियामेंट के सेशन कंडक्ट हो रहे हैं, कौन सा सेशन कंडक्ट हो रहा है पार्लियामेंट का, तो आपको ध्यान रखना है विंटर सेशन कंडक्ट हो रहा है। गुड मॉर्निंग योद्धा, स्वागत है आपका, सूर्य कुमार यादव जी जय हिंद जय भारत, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शत्रुनाश है और युद्ध अभ्यास के बारे में बात किया, वाइस प्रेसिडेंट का विंटर सेशन चल रहा है अभी पार्लियामेंट का, वहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस होगा, न्यू बिल्स आएंगे जो आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स को भी शामिल किया है हेरिटेज साइट्स में, जिसमें महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका तमिलनाडु केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, बेलगाम और बेलगावी जो कि एक सिटी है कर्नाटका में सिचुएटेड है, बेलगाम जो कि एक टसल बना हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल के बीच, इनका इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है। जो बेलगाम है वो कहता है, उसमें महाराष्ट्र का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग ज़्यादा है, इसलिए उसे महाराष्ट्र को ट्रांसफ़र कर दे। और बेलगावी जो कि कर्नाटका का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहता है कि जो इंटर स्टेट बाउंड्री के हिसाब से जो स्टेट उसको मिल चुका है, जो एरिया उसको मिल चुका है, वो उसी के पास रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रिसेंट में यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, जिसमें कांग्रेस को मेजोरिटी मिला,
टोटल 40 सीट्स कांग्रेस ने एक्वायर किया, उसके बाद में 25 सीट्स बीजेपी ने एक्वायर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 15 CM अपॉइंट हुए हैं, 50th CM यहाँ पर देख सकते हैं, उनका नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के न्यू CM अपॉइंट हुए हैं। सो न्यूली अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नोट करके चलिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ये कार्तिक गाय दीपम चैरियट फेस्टिवल हैज बिन ऑर्गेनाइज्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको ध्यान रखना है कि ये जो कार्तिक गाय दीपम चैरियट फेस्टिवल है, इसका बहुत गहरा सिग्निफिकेंस है इस स्टेट से, इसमें काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है इसके। सो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, अगर आप UPSC भी दे रहे प्रीलिम्स। सो आपके ये नोट डाउन करके चलिए, जैसे एक मूवी आई थी कंतारा रिसेंट में साउथ की, सो वहां पे वराह रूपम देवती के बारे में बात हुई थी, जो देवती कहते हैं जो गॉड होता है भगवान, उनके बारे में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा कोई डिस्कशन होता है किसी के बारे में, कोई अच्छी फिल्म आती है जो कि गॉड पे बेस्ड होती है, जो साउथ मूवी आजकल जो भी बन रही है, सो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पुष्पा के अंदर लाल चंदन की बात हुई थी, लाल चंदन, जो लाल चंदन चंदन है मोस्टली साउथ इंडिया में पाया जाता है, साउथ इंडिया में ये पाया जाता है, और जो कि नॉर्थ इंडिया में है वो जो होता है वो क्रीम कलर का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसका कलर दूसरा होता है, हल्का सा क्रीमिश कलर होता है, वो होते हैं वो सिंपल चंदन होता है, और लाल चंदन जो होता है साउथ इंडिया में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंतारा के बारे में बात हुआ था, इसके रिलेटेड आपको पेपर में आर्ट एंड कल्चर और जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये दीपम चैरियट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पर देखते हैं गुजरात के बारे में बात हो रहा है, गुजरात है, गुजरात के अंदर रिसेंट में इलेक्शन कंडक्ट हुए, सो किसको मेजोरिटी मिला है, यहाँ पर बीजेपी ने बहुत मैसिव मेजोरिटी हासिल की, आउट ऑफ 200 सीट्स यहाँ पर 156 गुजरात को मिली है। सो भूपेंद्र पटेल यहाँ के रिपीट होंगे CM, भूपेंद्र पटेल इससे पहले CM थे गुजरात के, और इनकी सरकार रिपीट हुई है, सो दोबारा इनको CM बनाया गया है। सो गुजरात में इस बार के नेशनल गेम्स कंडक्ट हुए थे, आपको ध्यान रखना है गुजरात में इस बार नेशनल गेम्स कंडक्ट हुए थे 2022, उसकी थीम क्या थी, यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, और इसको मेडल टैली में किसने टॉप किया था। सो आपको ध्यान रखना है कि इसको मेडल टैली में टॉप किया था सर्विसेज ने, सर्विसेज की टीम जो होती है वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें उनके जो पर्सनल्स है वो प्ले करते हैं, सो सर्विसेज ने इसको टॉप किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वगीर टू बी कमीशन इन जनवरी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 75 की बात होगी, ये जो प्रोजेक्ट 75 है उसके थ्रू हमने डीजल क्लास सबमरीन, जो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डेवलप की है, कन्वेंशन सबमरीन है, आपको ध्यान रखना है, इसके थ्रू हमने कलवारी, करंज, खांदेरी, वगीर, वगशीर, वेला, तो ये जो छः, आपको ध्यान रखना है ये जो 6 सबमरीन्स है ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर डेवलप की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जब भी ये कमीशन होती है सो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कमीशन हुई है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है और बाय ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट में एक प्रोजेक्ट 15B के थ्रू हमने स्टिल्थ डेस्ट्रॉयर को कमीशन किया है, इंडिया का सेकंड स्टिल्थ डेस्ट्रॉयर है, तो पिछले सेशन में ही हमने इसको कवर किया था। सो ध्यान रखिए इंडिया का 15th प्रोजेक्ट 15B है, स्टिल्थ डेस्ट्रॉयर है, सो चल उसके बारे में नोट डाउन करके चलिएगा। यहां पर देखते हैं द 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन वगीर बाज डिलीवर्ड बाय द मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। सो ये जो मजागांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शिपयार्ड ने इसको फॉर्म किया है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट डाउन करके चलिए। यहाँ पर देख सकते कमीशन इन टू सर्विसेस इन जनवरी, जनवरी में ये कमीशन होगी, और इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट द वगीर हैज़ कमीशन ऑल मेजर ट्रायल्स एंड द वेपन एंड द
सेंसर टाइप, ओके यहाँ पर ध्यान रखिए, सिक्स्थ वन इन द बग्स, द बगीर वॉज लॉन्च इन टू द वॉटर ऑन द नवंबर 12 ऑफ 2020 एंड द, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशीट के बारे में बात है, वर्कशीट जो है अप्रैल 22 में कमीशन हुई थी और वो नेवी को डिलीवर होगी 2023 एंड में। और यहाँ पर देख सकते हैं सिक्स स्कॉर्पियन सबमरीन्स आर बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 75। जैसा कि बताया प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के अंडर यहाँ पर 3.75 बिलियन की डील हुई थी, जिसके थ्रू यहाँ पर 4 ईयर्स बिहाइंड शेड्यूल में चल रहे हैं। फर्स्ट सबमरीन है जो कि INS कलवारी है, उसके बाद में आप देख सकते हैं खांदेरी, फिर करंज हुई थी, फिर INS वेला, ठीक है ये चीज ध्यान रखिए। अभी फिफ्थ आई है वगीर, उसके बाद में नेक्स्ट आएगी वगशीर, ठीक है ये चीज ध्यान रखिए। चलिए इंडियन नेवी के बारे में बात हो रहा है, सो इंडियन नेवी के बारे में हम ध्यान रखते हैं कि 4 दिसंबर 1971 से हम इसका नेवी डे मना रहे हैं, नेवी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंट में 4 दिसंबर को हमने ये सेलिब्रेट किया है और इस बार फ्लैग चेंज हुआ है। आपको ध्यान रखना है ऑक्टागन शेप में जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सील थी उसके शेप में आया, ऑक्टागन में आपको ध्यान रखना है शिवाजी महाराज की सील पे बना हुआ ये। और इसके बारे में आप देख सकते हैं इसकी जो थी मोटो रहता है इंडियन नेवी का, मे द लॉर्ड ऑफ वॉटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ठीक है ये थीम इसके ध्यान रखेगा। और इसके रिगार्डिंग अभी रिसेंट में इसको हेड कौन कर रहा है, जो इसके नेवी के चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, ध्यान रखिएगा एडमिरल आर हरि कुमार जो है नेवी के चीफ है फिलहाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं INS वगीर का बैकग्राउंड, ये जो कमीशन डी कमीशन कब से हुई थी 2001 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको फॉर्म किसने किया है, मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, और इट इज नेम्ड आफ्टर आफ्टर अ सैंड फिश ए डीपली ए डेडली डीप सी प्रेडेटर ऑफ द इंडियन ओशन, ओके यहाँ पर इसका नेम का सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, जो वगीर है एक डीप सी प्रेडेटर है और काफी डेडली है, उसके नेम पर इसे रखा गया है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ 6 कलवारी क्लास सबमरीन बिग बिल्ट इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन सबमरीन है एनश्योर द सुपीरियर स्टील्थ फीचर सच एज एडवांस एकोस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक, लो रेडिएटेड नॉइस लेवल्स एंड हाइड्रोनेमिकली ऑप्टिमिस्टिक शेप, ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक ऑपरेशन ट्राइडेंट हम इंडिया ने कंडक्ट किया था, इंडियन नेवी ने 3 दिसंबर को स्टार्ट किया था 1971 में, जिसके थ्रू हमने कराची हार्बर पर हमला किया था, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो बहुत बड़ा हमला था इंडियन नेवी के द्वारा, और इसमें आप ध्यान रखिए कि जो हमने कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू, ऑलमोस्ट 4 डेज तक वहां पर आग धधकती रही, इतना भारी हमला किया था कराची हार्बर पर इंडियन नेवी ने। सो उसके बाद से जो इस वॉर में पाकिस्तान की हालत बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, उनके हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे, क्योंकि उनका कराची हार्बर बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और नेवी की तरफ से वहां पर उनको हेल्प नहीं मिल पा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके फोटो है INS वगीर का। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु हैज बिन ऑनर्ड विद द 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर द एक्सीलेंस इन द साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इस बार किसे दिया गया है? अगर ऐसे कोई भी प्राइजेस होते हैं जो कि इंडियन और ओरिजिन के पीपल्स को मिलते हैं, या फिर किसी और कंट्री का जो प्राइज है वो इंडिया के पीपल्स को मिलता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमेशा नोट्स प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है नोट्स हमेशा प्रिपेयर करके चलिए, ताकि एग्जाम में उनको आप थरेली रिवाइज कर पाए, जिससे आप बेटर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ये ध्यान रखिए। यहाँ पर आप हम बात करते हैं वीना नायर जी की, वीना नायर जी हैं ये और हैज़ रिसीव्ड द 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस, और यहाँ पर इंडियन ओरिजिन टीचर ही है ऑस्ट्रेलिया में ये टीचर है, उनको साइंस टीचिंग के लिए सेकेंडरी स्कूल्स में ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, सो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंट का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ जिसको इंग्लैंड ने विन किया, यहाँ पर इंग्लैंड विनर रहा था इस वर्ल्ड कप का, और डिफीट किसको किया, यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर डिफीट किया,
और आप देख सकते हैं रिसेंट में इसका जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया था, सो वो इंग्लैंड के प्लेयर थे सैम कुरन। सैम कुरन को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा एग्रीमेंट है, करंट सेपा एग्रीमेंट हमने साइन किया था, और रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, बहुत मल्टी लेवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक आपको ध्यान आए तो ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉमस कप के बारे में यहाँ पर न्यूज कवर हुआ है, एंड थॉमस कम ट्रियम्फ एंड सी डब्ल्यू जी हाई मैक 2022 अ ईयर टू रिमेम्बर। सो इस बार आपको काफी ड्रीम रन देखने को मिला इंडियन बैडमिंटन के लिए, 2022 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा, यहाँ पर इंडिया की जो मैंस टीम ने उसने थॉमस कप को विन किया, फिर लक्ष्य सेन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, और पीवी सिंधु ने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये ईयर रहा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, किदंबी श्रीकांत ने यहाँ पर एक चैंपियनशिप को विन किया। सो बहुत यहाँ पर जो बैडमिंटन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं इस ईयर से, सो इसको ध्यान रखिए। सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यहाँ पर इनका जो ड्रीम रन था इस 2022 में, इन्होंने काफ़ी चैंपियनशिप विन किया। सो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए थॉमस कप, जो थॉमस कप होता है वो मेंस का टूर्नामेंट होता है, ये ध्यान रखिए। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि थॉमस कप है जो किसका टूर्नामेंट होता है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है और इसमें सिर्फ मेंस पार्टिसिपेट करते हैं, और उबर कप जो होता है वो वुमेन्स का टूर्नामेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एन एपिक थॉमस कप विक्ट्री ब्रोक द ग्लास सीलिंग्स वाइल अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स एस इंडिया लुक टुक जाइंट स्टेप्स टुवर्ड द बिकमिंग अ बैडमिंटन पावर हाउस इन 2022। सो 2022 में इंडिया ने थॉमस कप जूता जीता, और उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में इनका ड्रीम रन कंटिन्यू रहा था। यहाँ पर बात करते हैं कि डबल ओलंपिक मेडल्स लिस्ट सिंधु कंटिन्यू टू एक्सेल विद द थ्री टाइटल्स। यहाँ पर सैयद मोदी इंटरनेशनल, फिर स्विस ओपन 350 एंड सिंगापुर ओपन में यहाँ पर पीवी सिंधु को मेडल मिला था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर लक्ष्य सेन सिक्योरिस मेडल सुपर 500 टाइटल एंड अलोंग विथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड भी मिला था यहाँ पर लक्ष्य सेन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैच था। और सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था डबल्स इवेंट में, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी, जो आप देख सकते हैं वर्ल्ड जो ये फेडरेशन है वो एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो बैडमिंटन को रेगुलेट करती है पूरे वर्ल्ड में, और ये फाउंड कब हुई थी, 1934 में इसे फाउंड किया गया था, और इसके टोटल 9 मेंबर नेशन थे उस वक्त, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये 5 जुलाई 1934 का फाउंड हुई थी, इसका प्रेसिडेंट कौन है अभी, पॉल एरिक लार्सन, और अभी टोटल 194 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, क्वालालंपुर मलेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉमस कप के बारे में यहाँ पर, कि थॉमस कप जो है वो वर्ल्ड की सुप्रीमेसी बताता है स्पोर्ट ऑफ एडमिशन बैडमिंटन में, और इट इज़ एन 16 नेशन टीम इवेंट, यहाँ पर 16 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बहुत बड़ा इवेंट है थॉमस कप बैडमिंटन के स्पोर्ट में, और ये बैकग्राउंड और मैनेज कौन करता था, 1939 में यहाँ पे सर जॉर्ज थॉमस फॉर अ सीरीज ऑफ मेंस इंटरनेशनल टीम कॉम्पिटिशन और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ने मिलकर यहाँ पर फॉर्म किया था इसको। फर्स्ट टूर्नामेंट कब हेल्ड हुआ था, 1948 49 में, जिसे मलाया ने फॉर्म जिन किया था, जो कि ये मलेशिया कहलाता है अब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन द टूर्नामेंट 7 डिकेड लॉन्ग हिस्ट्री द चैंपियनशिप टाइटल हैज चेंज द हैंड्स ओनली अमंग 5 नेशन। अभी तक ये 70 ईयर्स में इंडिया ने पहली बार थॉमस कप को विन किया है, और अभी तक ये टाइटल्स इंडिया के अलावा चाइना मलेशिया इंडोनेशिया जापान और डेनमार्क ही विन कर पाया, सो ये ध्यान रखिएगा। उबर कप है जो वुमेन्स का कप होता है बैडमिंटन, 1957 में फाउंड हुआ है, इसमें भी 16 नेशंस हैं और BWF इसके मेंबर नेशंस है। साउथ कोरियन है यहाँ पर, दो
रिसेंट चैंपियनशिप जीती है, और चाइना सबसे ज्यादा बार जीत चुका है इसको, 15 टाइम्स चाइना ने जीता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है काफी आपके एग्जामिनेशन में पार्ट बनते हैं, सो हमेशा नोट डाउन करके चलिए इन चीजों को। इसरो के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनको राज्यों से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि कर्नाटका का हाईएस्ट अवार्ड है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच जाता है। यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मर इसरो चेयरमैन के सिवान एंड राइटर्स ए आर मित्रा एंड कृष्णा गौड़े आर द अमंग द 67 अचीवर्स सेलेक्टेड फॉर द राज्योत्सव अवार्ड्स एंड द कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंस ऑन द संडे। आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ठीक है, हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 1947 में भारत आजाद हुआ था, उसके बाद में 2022 में इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, सो हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, जिसके थ्रू इंडिया में आपने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स देखे होंगे, इवेंट्स देखे होंगे इस टैगलाइन के साथ में, सो इम्पोर्टेंट बन जाता है इसकी इवेंट्स को कवर करना। हमेशा देखिए कि जो आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से जो भी इवेंट्स कंडक्ट हुए हैं उसको नोट डाउन करके चलिए, आने वाले एग्जामिनेशन में आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। राज्योत्सव अवार्ड के बारे में ध्यान रखिए, इसरो के बारे में बात हुआ है, रिसेंट में RS-200 इसरो ने लॉन्च किया था, जो इसका 200th मिशन था इस बेसिस पे सैटेलाइट लॉन्चिंग का, सो RS-200 लॉन्च किया था। उसके बाद में देख सकते हैं जो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ था, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था इसरो ने रिसेंट में, जो कौन सी कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया था, स्काई रूट, और उस प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या था आपको ध्यान रखना है, वो विक्रम S के नाम पर रखा गया था, विक्रम साराभाई, जो इसरो के जो इंडियन स्पेस के बहुत डिग्निटी और पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने स्थापित किया इसरो को, सो उनको ध्यान रखना है, विक्रम S के नाम पे रखा गया था फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, और स्काई रूट कंपनी ने उसे लॉन्च किया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट में हमने अग्नि 5 की टेस्टिंग की है, अग्नि 5 टेस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, जिसकी रेंज कितनी है, ओवर 5000 किलोमीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में अग्नि सीरीज से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मिसाइल्स का डेवलपमेंट होता है उसके ध्यान रखिएगा। अग्नि 5 यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये किस कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1982 में, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आपको ध्यान रखना है, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम ने ये प्रोजेक्ट हेड किया था। उसके बाद में आपने देखा होगा सीरीज ऑफ मिसाइल्स इंडिया ने डेवलप किया था, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे APJ अब्दुल कलाम जी, इनकी एक बुक, इनकी दो बुक्स है, विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको बुक्स और नोवेल से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो अगर कोई फेमस डिग्निटरीज और पर्सनैलिटी जिसकी बायोग्राफी है, या फिर उन्होंने अच्छी बुक्स लिखी है, गोदान, गबन, प्रेमचंद की कहानियां, ठीक है, जो उन्होंने नोवेल्स लिखी है, सो ये हमेशा रिवाइज करके जाइए, नोवेल्स हो गए, और जो वादक्स होते हैं, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को फेमस पर्सनैलिटी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, सो उनको ध्यान रखिए, जैसे सारंगी और फ्लूट हो गया, तबला हो गया, ये सब के बारे में हमेशा रिवाइज करके जाइएगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। यहाँ पे अग्नि 5 के बारे में बात की, एक और मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसकी हमने डील की है रिसेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के आत्मनिर्भर अभियान के थ्रू, हम यहाँ पर ब्रह्मोस की डील किया है, ठीक है, किस कंट्री के साथ में हमने डील किया है, फिलीपींस के साथ में, फिलीपींस के साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी डील है ब्रह्मोस की सप्लाई करने की। ब्रह्मोस की जो रेंज है उसको ध्यान रखिए, ब्रह्मोस 1 की रेंज है 290 किलोमीटर, और रिसेंट में हमने इसकी टेस्टिंग की है, जो 350 किलोमीटर तक इसकी रेंज इंक्रीज कर दी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसरो के बारे में, इसरो कब फॉर्म हुआ था, अगस्त 15 को यहाँ पर 1969 में, और ये एक स्पेस एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है आपको ध्यान रखना है, बेंगलोर में, और इसके रिसेंट में चेयरमैन है S. सोमनाथ, S. सोमनाथ इसके रिसेंट में चेयरमैन है, नाम ध्यान रखिएगा।
इसरो के लॉन्चिंग पैड्स कौन कौन से? सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड है, एक ओडिशा में जो मिसाइल टेस्टिंग होती है एपीजे अब्दुल कलाम कोस्ट से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च रिमेन्स द मोस्ट सर्च क्वेरी ऑन द गूगल इन इंडिया 2022। सो 2022 में गूगल ने एक अभी सर्च लिस्ट जारी की थी, जिसके थ्रू काफ़ी जो गूगल पे सर्च की गई थी उसकी लिस्ट थी, उसमें किसने टॉप किया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएल, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग यहाँ पर टॉप किया है। आपको ध्यान रखना है इस बार का आईपीएल किसने जीता। सो ये हार्दिक पांड्या, उसके कैप्टन थे गुजरात टाइटंस। न्यू टीम इंडक्ट हुई थी इस बार 2022 में गुजरात टाइटंस, और इसके गुजरात टाइटंस ने यहाँ पर ये टाइटल विन किया था आईपीएल 2022 का, ठीक है। रिसेंट में डोमेस्टिक टूर्नामेंट, 3 डोमेस्टिक टूर्नामेंट कंडक्ट हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट बन सकते हैं। ध्यान रखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि एक T20 ओवर का फॉर्मेट है डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, उसको किसने विन किया है? सो मुंबई ने उसे जीता है, मुंबई ने विन किया है। आप सेकेंड देख सकते हैं यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि एक 50 ओवर फॉर्मेट है डोमेस्टिक टूर्नामेंट का, उसे अभी रिसेंटली सौराष्ट्र ने विन किया है। और जो रणजी है, रणजी टूर्नामेंट है, वो एक टेस्ट फॉर्मेट है, टेस्ट का फॉर्मेट है, उसको किसने विन किया है? सो रिसेंट में उसे मध्य प्रदेश ने विन किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू का नाम है, द्रौपदी मुर्मू हमारी इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है रिसेंट में। आर्टिकल 52 बताता है कि जो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया जो है रिपब्लिक क्यों कहलाता है? क्योंकि रिपब्लिक का मीनिंग होता है किसी भी हेड ऑफ स्टेट जो होता है किसी भी कंट्री का, वो इलेक्टेड होगा तो वो कंट्री कहलाएगी रिपब्लिक। हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो रिसेंट में इलेक्टेड हुई है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 बताता है, आर्टिकल 53 बताता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होती है इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडिया का। उसके बाद में आप देख सकते हैं आर्टिकल 58 में मैनर्स ऑफ इलेक्शन दिए जाते हैं। फिर आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें पार्डनिंग पावर्स होती है जो कि कोर्ट मार्शल की होती है किसी की रेमिटेंसेस, और जो आप देख सकते हैं जिसके क्रिमिनल की अगर कोई सजा कम करानी होती है उसको कम कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास में पार्डनिंग पावर्स होती है, ये ध्यान रखिए। केजीएफ के बारे में बात हुआ है, काफ़ी अच्छी मूवी थी केजीएफ। आप देख सकते हैं साउथ की मूवीज जितनी भी है वो काफ़ी न्यूज़ में रह रही है, क्योंकि ये काफ़ी बिग अमाउंट में जो बॉक्स ऑफिस पर भी कमाई कर रही है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एशिया कप कंडक्ट हुआ था 2022 का, ठीक है, उसको किसने विन किया है? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका ने इस बार 2022 का एशिया कप जीता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर प्लेजेस टू प्रमोट मिलेट्स इंटरनेशनली इन 2023। 2023 में सेंटर ने प्लेज लिया है कि वो मिलेट्स को प्रमोट करेगा। अभी रिसेंट में हमने पिछले सेशन में बात किया था कि इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रहा है, वो कहाँ पर कंडक्ट हुआ है? सो आपको ध्यान रखना है पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में एक इंटरनेशनल मिलेट्स का जो इवेंट है कंडक्ट हुआ है, उसको एस जयशंकर ने भी पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर, सो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसके बारे में ध्यान रखिए जो FAO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, सो आपको ध्यान रखना है रोम इटली में। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड से रिलेटेड है या फिर कहीं ना कहीं उससे फूड से रिलेटेड बात हो रही है, सो उसका हेडक्वार्टर वहाँ रोम इटली में सिचुएटेड है, आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, इन वन ऑफ द प्री लॉन्च सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इन न्यू दिल्ली, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे जब फार्म बिल्स आए थे, और इन्होंने काफ़ी नेगोशिएशन किए थे फार्मर्स के साथ में, जो फार्मर के ग्रुप्स थे उनके साथ में। सो आपको ध्यान रखना है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, मिस्टर तोमर साहब, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर यूनियन जन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर एड्रेस करेंगे इस इवेंट को। सो जो मेन मिलेट्स की क्रॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं, फूड क्रॉप्स कौन सी होती है? राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, एंड जो मिलेट्स की क्रॉप होती है वो रागी, ठीक है, बाजरा, ज्वार,
है, ये रहती है। चलिए यहाँ पे कैश क्रॉप्स के बारे में बात हुआ है। कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? सुगर कैन, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर। आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। आपको ऑप्शंस में दे देंगे कि इसमें से बताइए कि कैश क्रॉप्स कौन सी है। सो आपको ध्यान रखना है कि टी, कॉफी, रबर, कॉटन, ये सब कैश क्रॉप्स है। रबी का क्रॉपिंग सीजन कब होता है? अक्टूबर दिसंबर में इसको सो करते हैं, उसके बाद में हार्वेस्टिंग इसका अप्रैल जून में होता है। फिर खरीफ सीजन कौन सा होता है? जून जुलाई में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में, जून जुलाई में इसे सो किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं जेड क्रॉप्स होती है सोन एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड जुलाई, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जो रबी और खरीफ का सीजन होता है उसके बीच में जेड क्रॉप्स को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टाइम मैगजीन, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इस बार किसको दिया गया है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं विलोदमिर जेलेंस्की, विलोदमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अभी रिसेंट में यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर चल रहा है, तो ये काफी न्यूज में रहे, काफी इन्होंने यूक्रेन वॉर को कंडक्ट किया है, हैंडल किया है एज अ प्रेसिडेंट, आप देख सकते हैं। तो इन्हें इस बार का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है 2022 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो कीव है यूक्रेन की कैपिटल। एक क्रीमिया रीजन है जिसे 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, एनेक्स बाय रशिया इन 2014। और दो जो रीजन्स है काफी न्यूज में रहे हैं, डोनास्क एंड रूहांस्क, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है यूक्रेन के रीजन्स है। यूक्रेन को वॉर में काफी कंट्री से हेल्प मिल रहा है, यूएसए ने काफी इक्विपमेंट्स इसको सप्लाई किए हैं, यूके लगातार इसकी मदद कर रहा है। सो ध्यान रखिए अभी रशिया यूक्रेन से कोई भी चीज, कोई भी मिसाइल की टेस्टिंग होती है, यहाँ पे मिसाइल फायर की जाती है, या फिर जो रीजन से वो न्यूज़ में रहते हैं, सो हमेशा उनको नोट डाउन करके चलिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे ऋषि सुनक की बात हो रही है। ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के यंगेस्ट पीएम बने, ब्रिटेन्स यंगेस्ट पीएम अपॉइंट हुए ऋषि सुनक एट द एज ऑफ 42। 42 की एज में ये यंगेस्ट पीएम अपॉइंट हुए, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कलर है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है? ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि नॉन वाइट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये ऐसा यहाँ पर क्यों देखने को मिला था? जो कि लिज ट्रस्ट है, लिज ट्रस्ट जी इनके जो फॉर्मर पीएम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनका कार्यकाल बहुत शॉर्ट रहा था, 44 डेज का, ओनली 44 डेज तक यहाँ पर ये पीएम रही थी ब्रिटेन की, ठीक है। एलोन मस्क के बारे में यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, सो डिस्कस करते हैं। एलोन मस्क जो अभी अक्टूबर नवंबर तक जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे, उनको हटाकर अभी वर्ल्ड के नंबर वन पर कौन है रिचेस्ट पर्सन में? सो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ड, बर्नार्ड आर्नोल्ड जो कि अभी नंबर वन पोजीशन है, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी फैशन ब्रांड है जिसका नाम है लुई विटों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस की एक ब्रांड है जिसके चेयरमैन है ये फ्रांस के अर्नाड बर्नार्ड अर्नोल्ड, और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं अभी एलोन मस्क को हटा के। एलोन मस्क जो है सीईओ ऑफ टेस्ला है, टेस्ला के सीईओ हैं ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी है जो पीएम ऑफ इंडिया है, जो बाइडन है यूएस के प्रेसिडेंट है, और इनकी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम ध्यान रखिए। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन की है, कमला हैरिस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के बारे में बात हुआ था, जो कि वाइल्ड लाइफ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चंस जैसे कि हमने सेशन के स्टार्ट में बात किया था, आपके टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, स्पेस और वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें न्यूज़ में, इवेंट्स में कवर हो रही है, सो आपको हमेशा उनको नोट डाउन करके चलना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इन सेक्शन से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं, पेयर्स ऑफ ओली रिवली सी टर्टल्स हैव बिगन इमर्जिंग ऑन द सी वाटर्स ऑफ गहीर माता अलोंग द ओडिशा कोस्ट। जो गहीर माता है ओडिशा कोस्ट पे है, वहाँ पर आपने ओलिव रिडली टर्टल्स के पैर को साइट किया है। फिर आप देख सकते हैं गहीर माता इज अ केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द 150 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी फॉर द ओलिव रिडली सी टर्टल्स। रूकरी क्या होता है, जहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं, जहाँ पर ये अपने एग्स शेल करते हैं, उसे रूकरी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर भुवनेश्वर की बात हुआ है, भुवनेश्वर जो है वो रिसेंट में FIH वर्ल्ड कप कंडक्ट कर रहा है, मेंस का, मेंस वर्ल्ड कप हॉकी। ठीक है, FIH के फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उसके द्वारा एक वर्ल्ड कप कंडक्ट किया जा रहा है मेंस का हॉकी का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रिसेंट में ये इंडिया में कंडक्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ा इवेंट है हॉकी का वर्ल्ड कप। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे इवेंट्स को, स्पोर्ट्स के इवेंट जो इंडिया कंडक्ट कर रहा है, उसे नोट डाउन करके चलिए। रिसेंट में हॉकी में आप देख सकते हैं वुमेन्स टीम है, इंडिया की वुमेन्स टीम ने नेशन कप्स विन किया है, नेशन कप्स उसकी विनर रही है इंडिया की वुमेन्स। ठीक है, इंडियन वुमेन्स ने यहाँ पे ये नेशन कप विन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेन में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर होस्ट को ही बीट किया था 1-0 से, यहाँ पर स्पेन को बीट किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडिया की वुमेन्स ने यहाँ पे ये चैंपियनशिप विन की है। चलिए, जो ओलंपिक में इंडिया को काफ़ी टाइम बाद मेडल देखने को मिला था, ओलंपिक में मेंस टीम ने यहाँ पर मेडल विन किया था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर ओलंपिक में मेडल विन किया है। इंडिया के जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं जो हाईएस्ट नंबर में, वो किस स्पोर्ट इवेंट से आए, सो आपको ध्यान रखना है, और हॉकी से आए, जो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद, तो इनके नाम से अभी रिसेंट में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न अवार्ड। सो इस बार 2022 में ये किसे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, अचंता शरद कमल जी को, अचंता शरद कमल जी को यहाँ पर दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं, इन्हें नोट डाउन करके चल सकते हैं। जिस जो आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है। सो ऑल टुगेदर हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, काफ़ी सब्जेक्ट्स एरिया कवर किया है जो आपके जीएस का पार्ट बन सकता है। सो इन्हें नोट डाउन करके चलिए, रिवाइज करिए थरा, सो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए, जो हमारा सेशन है डेली 6 AM पे कंडक्ट होता है रिजल्ट गुरु पे, आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे ही और शी कैन प्रिपेयर वेल फॉर इस एग्जामिनेशन। और यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ द चैनल एंड द क्लासेस। ओके, चलिए आज के सेशन में हमारा इतना ही, जल्दी मिलेंगे कल सुबह 6 AM पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।